शादी के बाद कैसे करें ट्रूसो को अनपैक, ब्राइडल ट्रूसो को कैसे अनपैक करना है यही मैं आज बताने वाली हूँ। अपना ब्राइडल ट्रूसो का सामान आज अनपैक करूँगी और उसको वार्डरोब में सेट करूँगी। कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगी, हैप्पी होंगी एंड सेफ होंगी। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनपैकिंग ऑफ ब्राइडल ट्रूसो। जी हाँ, हमने बहुत सारी वीडियो बनाई जिसमें ब्राइडल ट्रूसो पैकिंग टिप्स ये वो बहुत सारी चीज़ों की बात करी है, बट आज की इस वीडियो में आपको अनपैक करके दिखाऊंगी अपना ब्राइडल ट्रूसो, यानी शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तो कैसे आपको ब्राइडल ट्रूसो अनपैक करना है, कैसे आपको वार्डरोब आपकी सेट करनी है, कैसे आप सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी वार्डरोब में, यही मैं आज करने वाली हूँ। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी ब्लशिंग ब्यूटी 42। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगी। तो आइए देखते हैं ब्राइडल ट्रूसो की अनपैकिंग। सो गर्ल्स, आज मैंने अपना ब्राइडल ट्रूसो को अनपैक कर लिया है एंड यहाँ पे सूट सारी ये वो सारे टाइप के क्लोथ्स बेडरूम में अपने पूरे में फैला दिए हैं। ये सारी क्लोथ्स अब मैं अपनी वार्डरोब में सेट करने जा रही हूँ। तो कुछ तो हैंगर्स में लगा दी थी सारियाँ एंड कुछ नहीं भी लगाई थी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड और कहना चाहूँगी गर्ल्स, हमारे इंडियन कल्चर में हमारी जो वार्डरोब होती हैं उसमें क्या होता है, कम स्पेस होता है और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं रेंट पे रहती हूँ तो हमारे पास आयरन की वार्डरोब है एंड मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े एक ही वार्डरोब में हमें ऑर्गेनाइज़ करने हैं। तो मैं वही करने जा रही हूँ, अपने और अपने हस्बैंड के कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके आपको दिखाऊँगी। गर्ल्स, ये है मेरी वार्डरोब एंड हमारे इंडियन कल्चर में जब आयरन वाली वार्डरोब्स होती हैं ना हम लोगों के पास, सो स्पेस बहुत कम होता है एंड एक ही वार्डरोब है आयरन वाली। एंड आपने देखा कि कितनी कम जगह है इसमें, थोड़े से अभी कपड़े रख दिए मेरे हस्बैंड ने, अभी मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अपना ब्राइडल ट्रूसो खाली किया है मैंने तो सारा जो भी सामान है उसको अरेंज करी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सब आपके साथ शेयर करूँ एंड दिखाऊँ कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करने हैं हस्बैंड एंड वाइफ के कपड़े एक ही वार्डरोब में। कुछ छोटे मोटे ही टिप्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बताने वाली हूँ कि आप ये परचेस कीजिए वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बेसिक्स चीज़ें बताऊँगी एंड अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ब्राइडल ट्रूसो अभी ओपन कर लिया है, पूरे सामान बिखरा हुआ है, नाउ मैं अरेंज करने जा रही हूँ। सबसे पहले बता देती हूँ ये मतलब मेरी मदर इन लॉ ने कुछ साड़ियाँ पहले से ही ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं जो कि मतलब मेरे लिए है। एंड नाउ अब मैं अरेंज करूँगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो मेरे हस्बैंड के ओल्ड क्लोथ्स हैं तो इनका अभी कोई भी यूज़ नहीं है, इसको खाली करके मैं हटा रही हूँ बिकॉज़ इसका कोई भी यूज़ नहीं है एज सच। यहाँ पे ये ना कुछ इस तरह का क्लोथ बिछा हुआ है, ये आई डोंट नो वाइट कलर का क्लोथ है, सो मैं इसको भी हटा रही हूँ। एंड ये देखिए ये एकदम प्लेन हो गया है। एंड नाउ क्या यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह का मार्केट में ना पेपर आता है, ये 5 से 10 रुपए का आता है, अलग अलग जगह अलग अलग रेट होता है, तो ये मैंने 2-3 पेपर परचेस किए हुए हैं, वही मैं यहाँ पे बिछाऊँगी एंड काफ़ी नीट लुक लगेगा। सो इस साइज़ का ये पेपर आता है, इस साइज़ का, सो यही मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ इसको मोड़ के। मैंने बिछा दिया है एंड साइज़ से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो इसे मैं यहाँ से फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से, तो इसे फ़ोल्ड कर देती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। एंड गर्ल्स, अगर आपके पास ना सेलो टेप या डबल साइडेड टेप हो तो आप टेप भी यूज़ कर सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। ये ऑर्गेनाइज हो चुका है पेपर, अब क्या करना है, मैंने यहाँ पे हैंगर्स लिए हुए हैं रेड और येलो कलर के, ऑनलाइन लिए थे, 200 रुपये के आ गए थे तो अफोर्डेबल हैं एंड 12 हैंगर्स हैं मेरे पास। सो मैंने अभी क्या किया है, ये जो साड़ियाँ हैं मैं आपको दिखा देती हूँ करके, ये देखिए ये साड़ी इस तरह से लगा दी है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग इसको नहीं रखा है क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग रखूँगी तो नीचे कुछ भी सामान नहीं रख पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि नीचे भी कुछ रख लूँ शेल्फ पे और ऊपर से साड़ी, तो हाइट में यही रखूँगी ताकि यहाँ तक मुझे स्पेस मिल गया। आप देख रहे हैं ना मेरी वार्डरोब, यहाँ मुझे इतना स्पेस मिल गया कुछ भी सामान रखने के लिए, तो यहाँ पर भी मैं सामान रख सकती हूँ। एंड साड़ी के साथ ही मैं साड़ी का मैचिंग ब्लाउज़ लगा रही हूँ क्योंकि
अगर मैचिंग ब्लाउज आपने लगवाए हुए हैं वो अलग रखेंगे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मैं साथ में ही रख रही हूँ तो इसको मैं टांग देती हूँ यहाँ पे एंड इसको ठीक कर देती हूँ। ये एक्चुअली साड़ी ना बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, सरक रही है, इसको दबा के मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ ब्लाउज़, सो ब्लाउज़ भी मैं इसके ऊपर ही लगा दे रही हूँ। एंड जो मैचिंग पेटीकोट है ना ये, वो मैंने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। अभी मैं फोल्ड करना नहीं बता रही हूँ, जस्ट ये बता रही हूँ कि मैंने पेटीकोट भी इसी हैंगर में लगाया हुआ है, सो दैट जब भी मुझे ये साड़ी वेयर करनी है तो मुझे ब्लाउज़ पेटीकोट वगैरह ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। सो ये फर्स्ट साड़ी हो गई, सेकेंड, ये थर्ड, एंड ये मैचिंग पेटीकोट नहीं है सो मैं इसको अलग कर दे रही हूँ, इसके साथ मैं रेड लगाऊंगी। एंड ये फोर्थ साड़ी है, एंड ये हैंगर अलग कर देती हूँ। ये साड़ी है, कुछ जो हैवी पैडेड ब्लाउजेस हैं वो मैंने अलग रखे हुए हैं, वो कैसे लगाने हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। सो आइए देखते हैं अब क्या करना है। सो गर्ल्स, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह का एक पॉली बैग मैंने ले लिया है जो शोरूम से मिलता है, एंड ये गाउन है, इसको मैंने मतलब फोल्ड कर लिया है और इसको मैं इस बैग में रख रही हूँ। इसको या तो आप कोई भी गाउन कवर है, साड़ी कवर है उसमें रखिए, या फिर इस तरह के कॉटन वाले जो क्लोथ होते हैं उसमें रखिए, ताकि ये ब्लैक ना पड़े इसकी डिज़ाइन, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैक्ड रहेगा। तो सारे गाउन्स वगैरह मैं इसी तरह के कवर में पैक कर रही हूँ। ये देखिए, जो बड़े वाले गाउन्स होते हैं उसके लिए मैंने इस तरह के बड़े वाले बैग लिए हैं। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हैवी गाउन है एंड इसकी फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा है, मेरे पास टांगने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, तो इस तरह से ही मैंने इसे फोल्ड किया हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं दबाया है वरना कैन ख़राब हो जाएगा, हल्का हल्का से इसको प्रेस कर दिया है। ये कह लीजिए कि फूला फूला ही रखना है मुझे, इसको ज़्यादा दबाना नहीं है। और ये गाउन मैं इसको इसी वाले बैग में करके पैक कर रही हूँ, आप भी इसी तरह रख सकते हैं एंड ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी तरह से रखती आ रही हूँ। कल से यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है। कोई भी सामान जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं उसमें फ्लिपकार्ट, पर्पल, अमेजोन, नायका, अलग अलग जगह से अलग अलग कार्टून मिलते हैं, मैं ये सारे संभाल के रख लेती हूँ। तो सारी जो भी मैचिंग लेगिंग्स हैं उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ एंड इसी तरह के बॉक्स में रखूँगी। आप चाहें तो बास्केट में भी रख सकते हैं, बट मेरे पास बास्केट नहीं है एंड मैंने अभी परचेज़ भी नहीं करी है, बिकॉज़ जितना आपको कम्फर्टेबल लगे आप उतना ही इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो मैंने ये लो इन्वेस्टमेंट में सारी अपनी जो भी लेगिंग्स हैं उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल रहता है। सारे कलर्स आपको विजिबल रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जब जो आपको लेगिंग्स चाहिए आप आसानी से पिक कर सकते हैं, तो इस तरह रख सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रहा है, मुझे तो सही लग रहा है, आपको ठीक लग रहा हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्या किया, मैंने एक कार्टून लिया, उसमें सॉक्स हैंकी वगैरह रख रही हूँ। ये सॉक्स को इस तरह फोल्ड कर रही हूँ और रोल बना के एक जगह रख रही हूँ एंड मैं अपने हस्बैंड के और अपने सॉक्स एक ही साथ एक ही जगह रख रही हूँ। वैसे तो मार्केट में सॉक्स ऑर्गेनाइज़र आते हैं, बट मैंने नहीं परचेस किया है, इसी तरह रख रही हूँ। जितने भी हैंकी वगैरह हैं इनको भी इसी शॉर्ट छोटे से छोटा फोल्ड बना के मैं इसको लगा रही हूँ एंड इस तरह क्या होता है, आपके सारे सॉक्स, सारे हैंकी, सब कुछ विजिबल रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह से लगा दी हैं एंड इसी तरह से हमेशा से रखती आई हूँ मैं एंड काफ़ी ज़्यादा सही लगता है मुझे। तो आप भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जब जो भी चाहिए सामने से दिख रहा है आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज़ होता ये है कि हम लोगों के हस्बैंड जल्दी जल्दी निकालते हैं तो हौच पौच हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ऐसा कार्टून ले लिया है एंड ये सारी मेरी स्पैगडी हैं जो सूट्स एंड टॉप के अंदर पहनने के लिए आती हैं। तो इसको, स्पैगडी को भी मैं सबको एक ही जगह एक बॉक्स में रख रही हूँ, आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं, बट मैंने इसको छोटा छोटा फोल्ड कर लिया है एंड इसको एक के ऊपर एक इस तरह से सेट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, सारे कलर विजिबल भी रहेंगे और एक के साथ रख भी सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपकी जो इंटरनल क्लोथ्स होते हैं, आपके ब्राज होती हैं, वो आप इस तरह से फोल्ड करके एक बॉक्स में रख सकते हैं। एंड हस्बैंड की टी शर्ट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने इस तरह का नायका का बड़ा वाला बॉक्स ले लिया है, इसको कट कर लिया है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को रोज़ बाहर जाना रहता है, ऑफिस जाना रहता है, उनको डेली टी शर्ट चेंज करनी रहती है। तो मैंने सोचा उनकी सारी टी शर्ट ऊपर मैं एक ऐसी जगह ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ जिससे उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए बहुत ही आसानी से निकालना। तो यहाँ पर इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, इसको भी रोल कर रही हूँ। कुछ टी शर्ट और शर्ट होती हैं जो आयरन करके हमें टांगने की ज़रूरत होती है, वो मैं आयरन करके ही रखती
करती हूँ। एंड जो कॉटन की होती है विदाउट आयरन चल जाता है काम, वो इस तरह से रोल करके रख रही हूँ। एंड काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी रहती है, और मेरे हस्बैंड को इससे ये फ़ायदा रहता है कि जो भी उन्हें टी शर्ट चाहिए वो आसानी से देख के निकाल सकते हैं। एक टी शर्ट निकालने के चक्कर में दूसरी टी शर्ट ख़राब नहीं होती है, वो वैसे की वैसे ही रहती है। ये इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो इस तरह से ही मैं रखती हूँ। आप चाहें तो इस तरह के जो कार्टून बॉक्सेस होते हैं, इसके अंदर आप अपना कोई भी क्लोथ लगा सकते हैं, या फिर आप इसको रैपर से पैक भी कर सकते हैं। मैंने तो एज इट इज़ रख दिया है, जस्ट आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी मेरे पास इतना सामान अवेलेबल नहीं है, जस्ट शादी के बाद ही मैंने ये चीज़ की थी, तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाया था मेरे लिए कि सारा सामान मैं लाऊं इसके बाद आप लोगों को दिखाऊं। एंड दिस इज़ डन। सो गर्ल्स, अभी सारी साड़ियां लगा ली हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सारी साड़ियां मैंने मैचिंग ब्लाउज एंड पेटीकोट के साथ लगा ली हैं। कुछ रफल साड़ियां रह गई हैं, वो बाद में प्लेस करूंगी। नॉर्मल साड़ियां हैं जो कि मैं वेयर करूंगी, और कुछ बची हुई हैं जो कि मैंने सारी कवर में ही रखी हुई हैं अभी। नाउ अभी क्या करना है, ये जो फर्स्ट रैक है ये मैंने इसलिए रखी हुई है, यहाँ पे अपने हस्बैंड के क्लोथ्स रखने वाली हूँ। एंड मैं आपको बता देती हूँ, हमारे इंडियन कल्चर में ना कपड़े तो ज़्यादा होते हैं, जगह कम होती है, तो ज़्यादा मतलब कपड़े को कम जगह में कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, इसीलिए मैंने साड़ी को हाफ फोल्ड कर दिया है ताकि ये रैक पूरी साड़ियों में ना घिरे एंड यहाँ पे भी सामान रख सकूँ। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने किस तरह से प्लेस किया, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के ही कपड़े रखूँगी, बिकॉज़ मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हम लोगों को डेली नहीं ज़रूरत पड़ती है कपड़ों को निकालने की। ऊपर मैं अपने हस्बैंड के इसलिए रखूँगी कि उनको डेली ऑफिस जाना है, बाहर जाना होता है, तो उनको ज़रूरत रहती है। सो सबसे पहले मैंने उनके कपड़े इस तरह के कार्डबोर्ड में कर दिए हैं। ये उनके मतलब ऑफिस पहन जाने वाले टी शर्ट्स हैं जो कि मैं यहाँ प्लेस कर दे रही हूँ, एंड अपने हस्बैंड को बता दूँगी। इस तरह के कार्डबोर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं कपड़े। आप चाहें तो बास्केट भी ले सकती हैं, अभी मेरे पास बास्केट्स नहीं है एंड मुझे सही ये लगा, इसीलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। एंड हाँ, मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी, इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में आप कोई ऐसे कपड़े मत रखिएगा जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, या फिर जैसे साड़ियाँ हुई या आपके गाउन या सूट हुए, क्योंकि उसमें ना कलर चला जाएगा और कुछ हो सकता है स्पॉट वगैरह लग जाए। ये कॉटन की नॉर्मल टी शर्ट है, वही मैंने रखी हुई हैं। एंड नाउ यहाँ पे ये जो बड़ा डेली वियर की ये टी शर्ट्स हैं सारी, जो कि मैंने फोल्ड करके रखी हुई हैं, ये यहाँ मैं लगा दूँगी। अपने हस्बैंड की सारी टी शर्ट वगैरह मैं एक ही जगह प्लेस कर रही हूँ। इस तरह से ना उनको मतलब उठाने में बहुत आसानी होगी और हौच-पौच नहीं होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये उनका लोअर है, मतलब लोअर का पोर्शन है, इसमें सारे उनके जिम के ट्रैक पैंट्स वगैरह है जो कि मैं यहाँ लगा रही हूँ, और ये चीज़ें ना उनको अक्सर चाहिए ही होती हैं। सो ये काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। नाउ मैंने इस बॉक्स में क्या किया है, मैंने आपको दिखाया है, इसमें सारे सॉक्स एंड अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं, एंड इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। वैसे अंडरगारमेंट्स और सॉक्स के लिए अलग से ऑर्गेनाइज़र आता है, बट अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से मतलब लग रहा है, एंड इसकी खासियत ये है ना, इसमें पता चल रहा है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो इसको भी मैं ऊपर ही रखूँगी, बिकॉज़ ये वाली वार्डरोब मैं और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई भी ऊपर नहीं करता है। सो ये चीज़ें मैं ऊपर रख रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड को और मुझे ये चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। एंड नाउ दिस पोर्शन इज़ रेडी। एंड अभी मैंने क्या किया है, एक कार्टून लिया है, एक छोटा सा इस तरह का बॉक्स लिया है, इसमें सारी लेगिंग्स अपनी लगा दी हैं। मैचिंग लेगिंग्स हैं ये, जो भी सूट हैं उनके साथ तो रख ही रही हूँ, लेकिन कुछ अलग से भी मैंने लेगिंग्स परचेस की हुई थी, तो वो मैं ऊपर ही रख रही हूँ क्योंकि कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, तो वो मैं नीचे नहीं रख रही हूँ। सो ये रेडी हो चुका है। एंड अभी मैंने क्या किया, एक छोटा सा कार्टून है, ये पर्पल का कार्टून था, एंड इसमें क्या किया है, मैंने सारे हैंडकरचीफ रख दिए हैं। तो ये सारे हैंडकरचीफ हैं, जब भी चाहिए होगा इसमें से हम निकाल सकते हैं। तो इसको भी मैं पीछे ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ। सो ये रैक इस तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रहा है पेपर बिछाने के बाद भी, एंड आप बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। अभी फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया है। नाउ ये तो लॉकर है, ये इसमें अपना ज्वेलरी वगैरह आप रख सकते हैं, बैंगल या जो भी आपका पर्सनल स्टफ़ है वो सारी चीज़ें आप इसमें कैरी कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है लॉकर में चीज़ें रखनी चाहिए वो रख सकते हैं। नाउ इसके नीचे एक कंपार्टमेंट है मेरी वार्डरोब में, तो इसमें मैं अपने सूट वगैरह रखने वाली हूँ। मैंने सूट को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है वो मैंने आपको दिखाया है। सारे जो भी गाउन्स और सूट हैं उनको सारी कवर में रखा है, क्योंकि इनमें वर्क
डार्क होता है और डेली नहीं वियर करने होते हैं और ये वॉशेबल भी नहीं होते हैं, जल्दी ड्राई क्लीन करवाई जाती है। तो इसको मैंने इसीलिए सेपरेट करके रखा है ताकि स्टोन्स ब्लैक ना पड़े। हमारे जो सूट्स होते हैं ना उसमें वर्क जो होता है वो ब्लैक पड़ जाता है कुछ सालों में, तो इसीलिए आप भी साड़ी कवर में रखिए या किसी बैग में या क्लोथ लगा के रखिए ताकि वो ब्लैक ना पड़े। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अभी यहाँ इस रैक में तो मैंने पेपर बिछाया है, ये पेपर है वाइट कलर का, बट नीचे मैं पेपर नहीं लगा रही हूँ बिकॉज़ अपने हैवी सूट्स रखूँगी। एंड एक और बात, पेपर मैंने यहाँ इसीलिए लगाया बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कार्डबोर्ड रखने थे, बट यहाँ पे मैं अपने सूट्स रखूँगी इसीलिए मैं पेपर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि पेपर से कलर हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर जो वाइट कलर का ये क्लोथ बिछा हुआ था इसी का यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ वाइट कलर इज़ परफेक्ट, कोई भी कलर ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसको मैं जल्दी से बिछा देती हूँ। बस यहाँ पे ये क्लोथ बिछा दिया है एंड अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये सारी जो ड्रेसेस हैं मेरी, गाउन्स वगैरह, इसको प्लेस कर रही हूँ। एंड ये जो कबर्ड है ना मेरे बेड से लगी हुई है, थोड़ा बस ओपनिंग स्पेस है इसीलिए मैं यहाँ पे सेट हो गई हूँ, मतलब बैठ गई हूँ, उसके बाद ही ये चीज़ें रख रही हूँ। एंड ये सूट, सारे सूट्स मैं जल्दी जल्दी प्लेस कर देती हूँ। अगर आपके पास साड़ी कवर नहीं है गर्ल्स, तो इस तरह की जो पॉलीथिन्स आती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी रहती हैं, आपके कवर रहते हैं क्लोथ्स। एंड ये गाउन, ब्राइडल ट्रूसो का सामान एक बार वार्डरोब में सेट हो जाए उसके बाद टेंशन फ्री हो जाते हैं हम ब्राइड्स। तो जितना जल्दी आप ये काम कर लेंगे उतना जल्दी आपका हेडेक रिमूव हो जाएगा, आप टेंशन फ्री अपना टाइम एंजॉय कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने रख दी हैं एंड काफ़ी आसानी से आ चुकी हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये साइड का पोर्शन बचा हुआ है तो यहाँ पे मैं जो हैवी गाउन है कोई एक दो गाउन आ जाएंगे। गाउन्स मेरे पास बहुत सारे हैं एंड लेट्स सी आ पाता है या नहीं। सो ये गाउन मैं यहाँ साइड में लगा दे रही हूँ एंड इसके ऊपर भी जगह है तो मैं यहाँ पे रखूँगी एक और गाउन। एंड ये बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास टांगने का स्पेस है तो गाउन को आप टांगिएगा, क्योंकि गाउन में कैन वगैरह लगी होती है तो वो ख़राब होने का डर रहता है। मेरे पास इतना स्पेस नहीं कि मैं गाउन को टांग सकूँ इसीलिए मैं यहाँ लगा चुकी हूँ। ये ना बहुत ज़्यादा घेर वाला गाउन है इसलिए मैंने इसको ऐसा ही फोल्ड करके रख दिया है, और ये वाला गाउन बहुत ही हल्का है जो कि मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। सो अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरा पैक हो चुका है। एंड नाउ आगे और चीज़ें देखते हैं क्या रखना है क्या नहीं। सबसे नीचे वाले कंपार्टमेंट में ये गाउन रखने वाली हूँ, ये मेरा एंगेजमेंट गाउन है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी है। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है ताकि ये दबे नहीं सकें, मतलब मोटा फोल्ड किया जैसे कि आप देख सकते हैं, पॉलीथिन में रखा है। एंड इसको मैं यहाँ नीचे रख रही हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ आएगी और इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं रखूँगी। एंड यहाँ पे सिमिलरली मेरा संगीत का गाउन है जो कि अभी मैंने वियर किया था कुछ टाइम पहले, इसीलिए ओपन रखा है। इसको मैं कैरी बैग में करके, यानी ये जो बैग्स होते हैं इसमें करके इसको रख दूँगी। तो ये इनके ऊपर मैं कुछ भी सामान नहीं रख रही हूँ बिकॉज़ इनका कैन ना ख़राब हो जाए, तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ रखी हुई हैं। एंड ये है इसका ब्लाउज जो कि मैंने पॉलीथिन में कर दिया है। साइड में यहाँ पे मैंने अपना एल्बम रखा है, शादी का एल्बम, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं एंड कुछ ही जगह बच रही है। सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ जो अदर सूट वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। एंड जो वेडिंग का लहंगा है मेरा और एक और लहंगा है मेरे पास, रिसेप्शन का लहंगा, ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने ब्राइडल ट्रूसो में ही छोड़ दिया है। एंड वो चीज़ें मैं अपनी वार्डरोब में नहीं रख रही हूँ बिकॉज़ लहंगा तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी वेयर नहीं करना होता है। एंड ये मेरे पास शादी से पहले की ड्रेस थी तो ये ड्रेस भी मैं यहीं प्लेस कर रही हूँ नीचे, कभी पहनना होगा तो पहनूंगी। डेली वेयर के सूट्स भी हैं मेरे पास जो कि मैं मतलब कैरी बैग में नहीं रखूँगी, वो डेली वेयर करने हैं मुझे इसीलिए। सो ये बहुत लाइट वाले क्लोथ हैं, कॉटन के जो होते हैं गर्मियों के लिए, सो उनको भी मैं आगे आगे लगा दूंगी। आगे इसलिए रख रही हूँ कि मैं इसको मतलब आसानी से यूज़ कर सकूँ। सो ये एक और सूट का सेट है, इसको भी मैं आगे लगा दूंगी इसी के ऊपर।
मतलब जैसे भी आपके पास जगह है उस तरह से आप ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। मैंने इस तरह से किया हुआ है, ये लगभग ऑर्गेनाइज हो चुकी है। सो अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी मेरे पास नंबर ऑफ दुपट्टाज हैं जो कि मैंने मैचिंग के दुपट्टे परचेज किए थे, वो क्या करने वाली हूँ मैं एक ही हैंगर में सारे लगाऊंगी। आप चाहें तो प्लेस भी कर सकते हैं, बट मैं हैंगर में लगा दे रही हूँ क्योंकि कभी भी कोई भी सूट पहन रही हूँ तो उसके बाद मुझे चाहिए, तो इस तरह से मैं एक ही हैंगर में सारे दुपट्टे लगा दूंगी। आप टांग भी सकते हैं, अलग अलग हैंगर्स भी ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के हैंगर्स भी मार्केट में आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास वो हैंगर नहीं है तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ये सारे दुपट्टे मैंने एक हैंगर में कर दिए हैं एंड ये देखिए इस तरह से लग रहा है। इसमें सारे दुपट्टे दिख भी रहे हैं मुझे कि कौन कौन से हैं, तो मैं अभी ना इसको साड़ी के साथ ही साइड में लगा देती हूँ। सो ये इस तरह से प्लेस हो चुका है एंड नाउ गर्ल्स अब मैं क्या करने वाली हूँ, वार्डरोब में साइड में एक हुक दिया हुआ है, यहाँ पे अपने हैंडबैग्स को टांग दे रही हूँ एंड हैंडबैग्स को रखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास। सो ये जो एक और हैंडबैग है ये काफ़ी बड़ा हैंडबैग है एंड ज़्यादातर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, कहीं भी जाती हूँ तो ये वाला लेके जाती हूँ। सो इसको मैं ऊपर ही रख रही हूँ, साइड में एडजस्ट हो जाएगा आसानी से। इस तरह से अपना हैंडबैग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप हैंडबैग ऑर्गेनाइज़र भी ले सकते हैं बट अभी मैंने नहीं लिया हुआ है। क्लच वगैरह अलग से ऑर्गेनाइज़ किया है बट ये जो हैंडबैग्स हैं उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, तो ये पूरा अच्छे से हर स्पेस को यूटिलाइज़ कर रही हूँ। यहाँ पे एक ब्लाउज़ है जो कि मैचिंग ब्लाउज़ मुझे लगाना है, जिस भी साड़ी का ये मैचिंग ब्लाउज़ है उसके साथ मैं इसको सेट कर दूंगी। तो ये ब्लैक साड़ी का ब्लाउज़ है तो मैं यहीं पे इसको टांग दे रही हूँ हैंगर में, ताकि जब भी मुझे साड़ी की ज़रूरत हो तो आसानी से इसको मैं निकाल के वेयर कर सकूँ। गर्ल्स यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, जो डेली वेयर सूट्स हैं उसके अलावा भी कुछ दुपट्टे होते हैं जो डेली रिक्वायर्ड होते हैं, ससुराल में हम बहुओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है दुपट्टे की, तो मैंने क्या किया ये साइड में इस तरह से सारे दुपट्टे को मैं यहाँ पे हैंग कर दे रही हूँ, क्योंकि इमीडिएटली कभी कभार कोई आ जाता है और नई बहू के पास तो दुपट्टा ऑल टाइम होना है। मेरे पास दो लॉकर हैं तो एक लॉकर में मैंने सारे अपने हैंडबैग्स रख दिए हैं, यानी ये क्लचेस हैं, कुछ लिफाफे रख दिए हैं ऑर्गेनाइज़ करके क्योंकि लिफाफे की ज़रूरत रहती ही है, एंड यहाँ पे जितने भी हैंडबैग्स हैं यानी ये क्लचेस हैं, जो भी बैग्स हैं इनको मैंने पॉलिथीन में करके रखा है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो हो सकता है कि काला पड़ जाए, तो मैंने सारे इंडिविजुअल बैग को पॉलिथीन में किया है एंड साइड में अपने जो भी हैंग वाले बैग हैं स्लिंग बैग हैं ये रख दिए हैं, सारी चीज़ें आसानी से ऑर्गेनाइज़। सो गर्ल्स ये मैंने सारी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है, जो भी मेरे हस्बैंड के फॉर्मल क्लोथ्स हैं वो मैं यहाँ पे टांग दूंगी हैंगर में, एंड जो भी ऐसी क्लोथ्स हैं लाइक शेरवानी हुआ ये सारी चीज़ें मैंने ब्राइडल ट्रोसो में उनकी पैक करके रख दिया है, बिकॉज वो सारी चीज़ें डेली रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। मेरी वार्डरोब इस तरह से सेट हो चुकी है, आपको कैसा लग रहा है ये बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी आने वाले वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और न्यू कंटेंट मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट लाइंड अप है, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, तो इन्जॉय कीजिए एंड आप भी इस तरह से वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगा ये बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर गर्ल्स।